तुम नाज़रीन कैसे हैं आप लोग। नाज़रीन आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। उसका नाम है क्रिस्पो बर्गर। ठीक है, ये बहुत जल्द क्विक बनने वाली रेसिपी है और मैं चाहूँगी कि आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे बताइए। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें दरकार है। सबसे पहले हमने इसमें एक चिकन का पूरा सीना लिया है। तकरीबन 2 किलो 2.5 किलो तक की चिकन होनी चाहिए, छोटा मत लीजिएगा। इसकी देखिए हमने छोटी छोटी बोटियाँ की हुई हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वरना गलने में टाइम लगेगा। ठीक है, ये इसमें हमारे पास है मायनीज़, केचप, और ये हमने एक पैकेट कॉर्नफ्लेक्स को बारीक पीस लिया है। ठीक है, और कॉर्नफ्लेक्स मीठा नहीं होना चाहिए, फीका होना चाहिए। ये 2 अदद अंडे हमने फेंट के रखे हुए हैं। ठीक है, ये हमने लिया है 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च और 2 टेबल स्पून हमने इसमें लिया है सिरका। ठीक है, अब हम इसे किस तरीके से बनाएंगे ये मैं आपको बताती हूँ। ये जो चीज़ है इसे हम साइड पे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे काली मिर्च, कुटी मिर्च, नमक, चाट मसाला। चाट मसाले से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और ये सिरका जो है इससे चिकन ज़रा आसानी से गल जाएगी। ये अंडे हमने इसमें शामिल किए हैं। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, इसको अच्छी तरह मिक्स करके हम 1 घंटे के लिए रख देंगे। इसके बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे और आपको बताते हैं। ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स होना चाहिए। अंडे 2 लाजमी हों, 1 कम पड़ेगा। जितना मैंने आपको चिकन की तादाद बताई है इसमें 2 अंडे लाजमी हैं। ठीक है, अब इसे हम 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके हमने रख दिया है। उसके बाद हम आप इसको फ्राई करके आपको बताएंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। ये देखिए, ऑयल गर्म होना चाहिए, ठंडा ना हो। अब हम इसे आपको फ्राई करके बताते हैं। ये देखिए, हमने इस तरह से चिकन की बोटी उठानी है, इस पर इसको अच्छी तरीके से करना है। अच्छा, एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इसको हमने हल्की आंच पे बनाना है। ठीक है, हमने इसको मैरिनेट करके रखा हुआ था। ये देखिए, बहुत हल्की आंच होगी, तेज़ आंच पे करेंगे तो गोश्त अंदर से कच्चा रह जाएगा। ठीक है, गोल्डन ब्राउन करना है हमें इसे, हम तेज़ी से इसमें डालेंगे। ये देखिए, फौरन फौरन करना है इसे, अच्छी तरह कोटिंग करके करना है। जितना ज़्यादा ये कॉर्नफ्लेक्स लगेगा उतना ही बोटी क्रिस्पी बनेगी। ये देखिए, अब हम आपको इसे बताएंगे कि हम इसे पलटेंगे ताकि एक ही साइड से ये लाल ना हो जाए। आँच हल्की रखनी है, आप हमारी आँच देख लीजिए, ऑयल गर्म होना चाहिए, आँच हल्की होनी चाहिए और इसको हमने गोल्डन ब्राउन करना है। ठीक है, हम इसलिए और शामिल नहीं कर रहे कि फिर ये जल जाती, और हमें इसे गोल्डन ब्राउन रखना है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और ये बहुत जल्दी बनने वाली चीज़ है। आप मैरिनेट करके इसको फ्रीज करके भी रख सकते हैं। निकाला, कॉर्नफ्लेक्स में कोटिंग की और फ्राई कर लिया और बच्चों को बर्गर में रख के दे दिया, सुबह लंच में दे दिया बच्चों को। ये माओ के लिए बहुत आसानी है। जैसे रात में आपको भूख लगती है, आप फौरन क्या कहते हैं, चिकन मैरिनेट करके रखी हुई है फ्रीज़र में, निकाला और फ्राई किया और बर्गर में रख के मायनीज़ केचप लगा के खा सकते हैं। अब ये तैयार होता है तो इसे हमें हल्की आँच पर बनाना है, ज़रा टाइम लगेगा, हम आपको फिर बताते हैं डिश आउट करके। जी नाज़रीन, ये देखें हमारी बोटियाँ बिल्कुल क्रिस्पी ब्राउन हो गई हैं। ये देखें, ये कलर होना चाहिए, हल्की आँच होनी चाहिए। अब हम इसे डिश में निकालेंगे और बाकी की चिकन भी फ्राई कर लेंगे, फिर आपको बर्गर बना के दिखाएंगे। ये देखिए किस कदर खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आया है, अंदर से ये अच्छी तरह गल गई होंगी। जो हमने मैरिनेट करके रखा था, बिल्कुल KFC की खुशबू आ रही है। अब मैं बाकी का फ्राई करके आपको फिर बर्गर बना के दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, चिकन हमने आधी फ्राई कर ली है, अब हम आपको इसको बर्गर बनाना बता रहे हैं। किस तरीके से हम इसमें केचप और मायनीज लगाएंगे और इसको तैयार करेंगे। ठीक है,
इसने एक तरफ मायनीज लगाई, आप चाहे ज़्यादा लगा लें, अगर चाहे तो हरी चटनी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल है। मेरा मशवरा यही है कि ये मायनीज और केचप के साथ ही अच्छा लगेगा, बिल्कुल ऐसे इसको फैला लीजिए। इस तरह से मायनीज को, और अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है, गर्मा गर्म ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ तैयार हो रही है। ये देखिए इस तरह से हम इसमें बूटियाँ रखेंगे, आप जितनी चाहे बूटियाँ रख लें, ये देखें ये काफ़ी है। ये हमने इसको इस पर करके इसमें तैयार कर दिया है। ये देखिए बच्चे तो ऐसी चीज़ें पसंद करते हैं, आपको मालूम ही है, आप ज़रूर ट्राई करें ताकि बच्चे आपको फरमाइश करें कि आप ये आप उनको बना के दें। ये देखिए मायनीज और केचप के साथ हमारे चिकन क्रिस्पी बर्गर तैयार हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये कैसी रेसिपी लग रही है, और मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास आ जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दुआ में याद रखिएगा, बहुत जल्द नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।